अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सोहेल खान खादरी। तो आज का व्लॉग रहेगा इंशाल्लाह दरगाह यूसुफैन नामपल्ली की दरगाह का इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं इंशाल्लाह, वहां पे जाके मैं आपको दरगाह के बारे में टोटल वीडियो बताऊंगा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं दरगाह शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह, और फूल वगैरह भी ले चुके हैं। और ये आपको दिख रही है दरगाह यूसुफैन शरीफैन की गुम्बद का नज़ारा है। तो इस गेट से हमें अंदर जाना होगा। ये सामने आपको जूते चप्पल यहाँ पे टोकन वगैरह लेके ये लोग लेके रखते हैं। 10 रुपये का एक टोकन रहता है, यहाँ पे आपके जूते चप्पलों की हिफाजत हो जाएंगी आप जाके ज्यारत करके। मेरे ख्वाजा का, 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 मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा। तो दोस्तों अंदर आए बाद भी आपको एक फूल की दुकान मिलती है हमारे हसन भाई की, माशाल्लाह से बहुत प्यारी तरीके से इंतजाम करते हैं हसन भाई। ये देख सकते हैं आप, पूरा ऐसा पेपर से टोकरा वगैरह बनाते हैं, टोकरी वगैरह बना के आपको फूल देते हैं हसन भाई हमारे, और एकदम कम ही कम से कम में दाम में आपको फूल यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आइए मिलिए हमारे हसन भाई से। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कुछ बोलिए आप दरगाह के बारे में। बहुत दूर से आते हैं भाई, सुबह शरीफ बागन से लोग आते हैं यहाँ पे, करामात फैज पहुँचाते हैं और फैज पहुँचाते सुबह शरीफ बागन, हवा में तूफानों में चिराग जलाते हैं। बहुत दूर दूर से आते लोग, अभी इतनी पब्लिक है यहाँ, बैठने चलने जगह नहीं है, उतनी पब्लिक रहती है यहाँ पे। उरुस के सरकार रहता है हर हमेशा, उरुस के सरकार रहता है यहाँ पे, बकरीद में उरुस रहता है इनका, चार की शान की 5 तारीख को उरुस रहता है सुबह का यहाँ पे। तो दोस्तों जब अगर आप बाहर से फूल लेना भूल चुके हैं तो अंदर भी आए तो आपको बहुत सारे फूल के दुकान यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप जब कभी भी यहाँ पे आएंगे तो हमारे हसन भाई हैं, हसन भाई के बाजू भी बहुत सारे फूल के दुकान हैं, हसन भाई के पास आपको माशाल्लाह से चादर वगैरह भी मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप जब कभी भी आएंगे तो ज़रूर हमारे हसन भाई से मिले। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुकान का एड्रेस बोलिए हमारे व्यूअर्स के लिए। दरगाह शरीफ में आते हैं, आपका नाम? अच्छा, दरगाह शरीफ के बारे में कुछ बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, माशाल्लाह। अच्छा। आपका एड्रेस बोलिए और सरकारों के बारे में कुछ करामत आपको याद है तो बोलिए। सरकारी करामत है, हवा में शमा जलाए आप माशाल्लाह, और लड़की का लड़का बनाए आप माशाल्लाह, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को खुले पते आरती कराए उजला खिले, और सरकार कब से 300 चिल्लर बरस हो गया सरकार का। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है।
हाँ माशाल्लाह, ये मोहम्मद खालिद भाई हैं। इंशाल्लाह जब कभी भी आप यूसुफैन शरीफैन की दरगाह को आए तो जरूर हमारे खालिद भाई की भी दुकान से आप फूल चादर वगैरह लीजिए। माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे फूल है वहाँ यहाँ पे, और आपको बूंदी वगैरह भी मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे फूल है। मेरे ख्वाजा का, 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 मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, चेहरा मेरे ख्वाजा का, तन्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, तन्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, तन्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का, तन्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, बटता है वो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके मालूम हम लोग यूसुफैन शरीफ के बारे में अलहमदिल्ला असर की नमाज़ हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें हमारे खालिद साहब मिले माशाल्लाह से, दोनों भाई हैं ये, तो भाई का नाम है सैयद मुजाहिद। तो आइए खालिद साहब से मुलाकात करें, कुछ बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अल्लाह के रसूल के सिलसिले में गुजरान दीन है सब शहीद नबीन मोहम्मद हाजिर। आप सब, आप हजरात जो है सो एक जने शम्स से आए, सो एक जने मिस्र से आए जो हैं, इनका वाक़ तो काफ़ी है। एक छोटा सा वाक़ा है अपने गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट गोलकुंडा किला जो है, जब वो टाइम पर फतेह न हो रहा तो आप ही फतेह कराए सो है यूसुफुद्दीन औलिया अब शरीफुद्दीन औलिया बारगाह नाम मशहूर है दरगाह यूसुफैन के नाम से, ये आपको नाम पर नहीं मिलेंगी और अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे जितने भी रसूमात होते हैं वो बड़ा एहतराम से होते हैं, और हमेशा बकरीद की पांच को हमेशा यहाँ पे सालाना संगल फरमाते हैं। मक्का मस्जिद से असर के बाद निकलता है यहाँ पे, फिर 9-10 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ, आगे 2-3 बजे संगल पेश होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, तो जब कभी भी आप यूसुफैन शरीफैन की बारगाह को आएंगे तो हमारे खादिम साहब सैयद मुजाहिद भाई से ज़रूर मिले, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह, हर किसी को बराबर इज्जत देते हैं यहाँ पे। कोई भी करोड़पति आया तो भी वही इज्जत मिलेगी, कोई गरीब से गरीब भी आया तो वही इज्जत मिलेगी। सैयद मुजाहिद भाई, दरगाह में आपको एक मस्जिद भी है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही प्यारी मस्जिद है, यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पुरानी मस्जिद है ये, दूसरे को शरीफ होगा की दरगाह में देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, पूरा सेंट्रल एसी का काम हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह से, बहुत ठंडी जगह है माशाल्लाह से, दरगाह की मस्जिद है ये, नामपल्ली की मस्जिद बल्कि मशहूर है सकते आप। आइए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मैंने आपको मस्जिद भी बताई है यूसुफैन शरीफैन की दरगाह की, तो अब आइए बहुत ही प्यारी चीज़ और बहुत ही खास चीज़ बताता हूँ दरगाह का, जो कि वजू खाना है, जो कि हाउस है, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ आइए आप।
दोस्तों ये पानी का हौज़ है, ये बहुत ही पुराना हौज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वजू खाना वहाँ पे नहीं था नल का, तो पब्लिक पूरी जो भी आती थी इसी हौज से वजू करती थी अपना अपना। तो देखिए बहुत ही प्यारा हौज़ है और पानी भी एकदम साफ़ सुथरा रहेगा इसमें। दोस्तों देख सकते हैं आप बहुत ही साफ सुथरा पानी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यूसुफैन का हौज है ये, तो तमाम पब्लिक जो कोई भी आती है तो बहुत ही दिल से यहाँ पे वजू बनाती है और यहाँ का पानी भर के भी बॉटल में लोग घर को लेके जाते हैं। बहुत ही साफ सुथरा पानी है दरगाह के हौज का अल्हम्दुलिल्लाह। और दरगाह ये हौज में क्या है, हौज की सफाई हर हफ्ते में दो या तीन बार होती है माशाल्लाह से। अंदर मच्छियाँ वगैरह भी है, अभी फिलहाल ऊपर नहीं आ रहे मच्छियाँ, अगर आए तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब्सक्राइबर मिल गया है। तो एक छोटा सा बच्चा है शेख सुफियान, तो बोलिए सुफियान इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपको ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह। तो ये शेख सुफियान है माशाल्लाह से, दरगाह में रहते हैं। तो दोस्तों अब हम आए हैं दरगाह का जो मेला जिसे कहते हैं, यहाँ पे दुकान रहते हैं अवेलेबल जो कि छोटे बच्चों के खिलौनों के वगैरह वगैरह के दुकान यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक दुकान है खिलौने की शेख मोइस भाई की, तो आप आइए शेख मोइस भाई से मिलिए। तो भाई आपके पास क्या क्या मिल जाता है? अरे एकदम बच्चन का बच्ची। अच्छा क्या रेट से स्टार्ट होता है आपके पास? कम से कम 100 रुपीज से स्टार्ट, 100 रुपए से स्टार्ट है फ्रेंड। तो कभी भी आपके बच्चे वगैरह सताए दरगाह को आगे तो हमारे मोइस भाई की दुकान पे आ जाना, तो आपको यहाँ पे ये झुनझुने मिल जाएंगे, ये पैनो वगैरह मिल जाएगा। ये देखिए आपको सिर्फ 100 रुपए में ये प्लेन वगैरह भी मिल जाएंगे आपको माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये भी है बाजा जिसे कहते हैं, बच्चे जिसे बजाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ से आप मोइस भाई की दुकान से खिलौने वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप वो खिलौने की दुकान से आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको चागना और कबाब की दुकान मिलती है हमारे सालम भाई की। आइए हमारे सालम भाई से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सालम भाई आपकी दुकान में क्या क्या मिल जाएंगे आपको खाने के लिए? भाई चाकना रोटी कबाब है और गोश्त का कबाब है स्पेशल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्राइस क्या है इधर स्टार्टिंग प्राइस? चाकने का देखो तो 35 रुपए चाकना प्लेट है। जी जी। कबाब गोश्त के कबाब 50 के 5 कारी है माशाल्लाह। दिल के कबाब है 20 के 3। अच्छा माशाल्लाह। और रोटी है 15 की माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स तो माशाल्लाह बहुत ही साफ सुथरा चाकना है यहाँ पे, ऐसा ही नहीं कि जबरदस्त है माशाल्लाह, एकदम नीटनेस का पूरा ख्याल है यहाँ पे सालम भाई की दुकान पे। तो कभी आपको भूख वगैरह लगी तो सालम भाई की दुकान पे आइए, आगे यहाँ का चाकना कबाब शिरमाल के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको मिर्ची वड़ा पापड़ वगैरह खाना है दरगाह में, तो दरगाह के पीछे की जानी आपको मेला मिलेगा यूसुफैन का, तो यहाँ पे आपको भाई की दुकान मिलेंगी। भाई आपका नाम? बाबा भाई। बाबा भाई की दुकान है ये मिर्चियों की यूसुफैन की दरगाह में। तो बोलिए आपके पास क्या क्या मिलेगा? पालक की भुजी, मसाले की मिर्चियाँ, पापड़, मुर्गुला सब ऐसा। तो फ्रेंड्स आइए माशाल्लाह, मैं भी खाया, बहुत जबरदस्त टेस्ट है माशाल्लाह से और एकदम नीटनेस रहता है। आइए यहाँ पे इनकी दुकान पे विजिट करिए और खाइए मजे लीजिए। जैसा बाबा भाई की मिर्चियों की दुकान से आगे आते हैं तो पानी की प्याज आपको या ठंडा वगैरह खाना दिल बोला, तो आप आइए बासित भाई के आइसक्रीम पार्लर पे, मुदस्सिर भाई के आइसक्रीम पार्लर पे आइए। देखिए आपको 10 रुपए से यहाँ पे स्टार्ट है, क्या क्या मिलता है आपके पास बोलिए? कौन है, चाकोबार है, कप है, कुल्फी है, संडे कप है, मटका कुल्फी है माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी वैरायटी है, सॉफ्ट टीम है, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, सब फ्लेवर मिलेंगे। कितने प्राइस से स्टार्ट है, कहाँ तक है आपके पास? 10 रुपीज से स्टार्ट है, 60 रुपीज तक अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स आइए माशाल्लाह, बहुत ही साफ सुथरी दुकान है हमारे मुदस्सिर भाई की। यहाँ पे आपको आइसक्रीम, कोन और क्या क्या है भाई, चाकोबार है, कप है वगैरह वगैरह, आपको आइसक्रीम टाइप में आपको सब अवेलेबल है। पानी का बोतल भी मिल जाएगा आपको, टाटा ग्लूकोज, हर एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये दुकान है यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के बैक साइड जो मेला है दुकानों का, तो यहाँ पे हमारे मुदस्सिर भाई की दुकान है, यहाँ से आके आप खा सकते हैं आइसक्रीम वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, यूसुफ बाबा यूसुफ धनी का करम है हमारे पास माशाल्लाह, अच्छा कस्टमर मिलेगा और जो है क्वालिटी वाला माल मिलेगा आपको, जैसा कि सीजेड का है, सीजेड है, इम्पोर्टेड, न्यू वैरायटी, न्यू डिजाइन, ब्रांडेड आइटम मिलेगा, गोल्ड मिलेगा आपको, 1 ग्राम में गोल्ड मिलेगा आपको, ये सेकेंड जो है सीजेड का पूरा माल है, ये भाई की वैरायटी का टाइप में मिलेगा आपको, सऊदी अरब मिलता नहीं, इस टाइप में मिलेंगे। तो फ्रेंड जब भी आप यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की बारगाह में आए, या आपके बहन या आपके वाइफ या आपके भांजी या भतीजी अगर सता है तो यहाँ से आके आप बालियाँ वगैरह दिला सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह से। तो आइए ज़रूर विजिट करिए भाई की दुकान।
वहाँ से पक के छिल्ले के अपोजिट है। तो फ्रेंड जैसा आप मुदसिर भाई के आइसक्रीम पॉलर के बिल्कुल ही सामने आपको कॉस्मेटिक लेडीज कॉस्मेटिक की दुकान अवेलेबल है जो कि हमारे मोहम्मद अली भाई की है। तो अली भाई यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा बोलिए आप। ऑल आइटम मिल जाते जो बोले वो कंपनी की मिलती है, मैबेलिन, हुडा ब्यूटी, फिट मी, मैरी जो, ग्लैम 21, हाई कवरेज, बीबी स्किन, ऑयल वैरायटी मिल जाती है अपने पास ए टू जेड, लिपस्टिक से लेके जो वैरायटी बोले आप, ऑर्डर बोले तो ऑर्डर भी करा सकते हैं ऑनलाइन भी। अपना गूगल पे आईडी अली एटीट्यूड कॉस्मेटिक बोल के, और एक एक शॉप है चांद मीनार पर, माशाल्लाह वहाँ पर भी सेम वैरायटी मिलेंगे, सेम क्वालिटी गारंटी और 5 साल की एक्सपायरी डेट के साथ देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये दुकान मौजूद है यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के बैक साइड जो दुकानों का मेला है जिसे मेला कहा जाता है, यहाँ पे कॉस्मेटिक लेडीज कॉस्मेटिक की दुकान। आइए फ्रेंड यहाँ पे भी एक आपको सोना चांदी की दुकान है माशाल्लाह से, ये देखिए आप बहुत ही प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे बालियाँ मिलेंगे जो कि बहुत ही कम में मिलेंगे, ये आर्टिफिशियल रहते हैं। आपको मैं मिलाता हूँ भाई, आपका नाम रेहान अली खान भाई की दुकान है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे आप बोलिए हमारे व्यूअर्स को। भाई यहाँ पे हर चीज मिलता है आपको, लेडीज के क्या बोलते हैं निकलीस है, लॉकेट है, बालियाँ, ईयर रिंग पूरे मिल जाते हैं आपको। तो माशाल्लाह बताइए कम रेट में मिल जाते हैं। स्टार्टिंग प्राइस क्या है आपकी दुकान का? स्टार्टिंग क्या है 50 से स्टार्ट है। 50 से स्टार्ट है और सबसे हाई प्राइस क्या है? हाई प्राइस जो है हमारी दुकान की शान है, लोग 350 का रहता है, 1 ग्राम गोल्ड का रहता है, माइक्रो पॉलिश का रहता है, अच्छा चलता है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स आइए जरूर, मैंने की गारंटी आगे हमारे भाई की दुकान पे विजिट करें, आपको कुछ पसंद आ जाए तो यहाँ से आप खरीदे भी। तो फ्रेंड्स जैसा आप आते आगे आते हैं मेले के तो आपको यहाँ पे शमशेर भाई की दुकान मिलेंगी जहाँ पे आपको अंगूठी वगैरह, तस्बीह वगैरह, लॉकेट वगैरह, आपको ब्रेसलेट वगैरह मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा कलेक्शन है शमशेर भाई का, आपको यहाँ पे नग वगैरह भी दस्तियाब है। ये देखिए आप बहुत ही प्यारे प्यारे तस्बीहें हैं यहाँ पे, ब्रेसलेट वगैरह भी है सब अवेलेबल है। तो शमशेर भाई से मिलाइए हमारे ये। तो अस्सलाम वालेकुम, तो क्या क्या मिलता है आपके पास जरा हमारे व्यूअर्स के लिए बोलिए। हमारे पास तस्बीह, राशि की अंगूठी वगैरह, पत्थर की अंगूठी, हकीक में एनी स्टोन एनी आइटम मिल जाता है हमारे पास माशाल्लाह। और फैंसी में लेडीज फिंगर रिंग्स वगैरह मिल जाते हैं, लॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, लेडीज आइटम में काफी आइटम मिल जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स ये हमारे शमशेर भाई है, जैसा आप पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे इनके 2 दुकान है माशाल्लाह से, अल्लाह बहुत बरकत दे। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलेक्शन रहेगा, ये देखिए आप यहाँ पे आपको लेडीज वगैरह कलेक्शन भी मिल जाएगा बहुत प्यारा प्यारा, यहाँ पे चैन्स वगैरह भी है देख सकते आप। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे आने पर आपको यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के मेले में हमारी शाकिरा बाजी की दुकान मिलेंगी जो कि चूड़ियों की दुकान है। तो देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारे प्यारे चूड़ियाँ हैं यहाँ पे, यहाँ पे रेड कलर के, ग्रीन कलर के, बचकाना टाइप के, बड़े लेडीज के, ये देखिए आप बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन है। तो बाजी आप बोलिए यहाँ पे दुकान में क्या क्या अवेलेबल है? ये चूड़ियाँ लाल, हरे, ये चूड़ियाँ बताओ झटपड़ी अम्मा का मन्नत को लेते, अच्छा शादियों के वास्ते झटपड़ी अम्मा जान के पास, जी हाँ जी, जी मन्नत के वास्ते बनने के वास्ते लेते लोग हरी चूड़ी, ये तो आम पहनते हम लोग कभी भी, अच्छा अच्छा, ये हद्दर हमेशा किया समझो। तो उसका प्राइस क्या रहेंगे अपने पास? ये 30 रुपए डजन बेचते हम, 30 रुपए डजन बोल तो 30 के 12 आएंगे 12 चूड़ियाँ। तो आइए हमारे शाकिराबाजी की दुकान से लेडीज जितने भी मेरे बहने मेरे माए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी भी यहाँ पे मन्नत करें झटपटी अम्मा के पास तो आए, हाँ तो यहाँ पे आगे यहाँ पे चूड़ी वगैरह चढ़ाना रहता है तो आगे यहाँ से शाकिराबाजी की दुकान से आप चूड़ी वगैरह ले सकते हैं 30 रुपए डजन है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह यूसुफ़ शरीफ़ का ब्लॉग ख़त्म होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अरे माशाल्लाह हमारे दोस्त भी आ चुके हैं, ये है हैदर कादरी और ये है हमारे फरीद कादरी माशाल्लाह जो कि लेट हो चुके हैं आने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अब ख़त्म होती है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।